तो गाइस सुपर संडे में आपका हार्दिक स्वागत है मिस्टर एंड मिसेस साहिल मैकॉन के ब्लॉग के अंदर। आज संडे है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैडम को घुमाया जाए सुंदर नर्सरी और हुमायूं टॉम। तो हुमायूं टॉम जाएंगे, सुंदर नर्सरी जाएंगे, आपको दिखाएंगे एक छोटा सा ब्लॉग बना के। बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो रास्ते में हम अभी ये रास्ता जो है ये जा रहा है सीधा हुमायूं टॉम की तरफ, तो हम अभी ऑन द वे हैं हुमायूं टॉम की तरफ। जैसे ही वहां पहुंचते हैं उसके बाद आपको दिखाते हैं। एंजॉय। तो गाइस फाइनली हमने एंट्री कर ली है हुमायूं के मकबरे के अंदर। 40 रुपए का एडल्ट का टिकट है यहाँ पे। और संडे आज बहुत ज्यादा रश है, काफी सारे लोग हैं, आगे पीछे आप देख सकते हैं। अब देखते हैं जाके कैसा है कैसा नहीं है अंदर से। हम तो आज फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको भी अपने साथ साथ आज घुमाएंगे हुमायूं का मकबरा। और बने रहिएगा हमारे ब्लॉग के अंदर। तो मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे दोबारा। एंट्रेंस की तरफ हम पहुंच चुके हैं। ये सामने एक बहुत अच्छा सा दिख रहा है हमें, कुछ बना हुआ क्या चीज़ है ये, हम भी पहली बार आए। अभी लोगों से पूछ रहे हैं कि भाई बता दो कुछ, हमें भी देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है। ये हमारा स्वागत किया जा रहा है। यहाँ गाइड भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, लेकिन गाइड लेने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि हम अपने दिल्ली में अगर गाइड लेके घूमेंगे तो फिर क्या फायदा। बोले तो प्रवेश द्वार के अंदर से हम अंदर घुसते हुए मिस्टर एंड मिसेस साहिल मैकॉन। और ठीक हमारे सामने ये हुमायूं का मकबरा जो है वो दिख रहा है। देखिए आप इसे, पेड़ पौधे लगे हुए हैं यहाँ पे, उस सामने बिल्कुल आपको दिखेगा हुमायूं का मकबरा। भाई बिल्कुल पास पहुंच चुके हैं, अब हम हुमायूं के मकबरे के अंदर एंट्री करने वाले हैं। आप सामने देख पा रहे होंगे कि ये एक बहुत बड़ा गुंबद सा बना हुआ है। मैडम भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड है क्योंकि ये भी शायद पहली बार ही आई है घूमने के लिए। बिल्कुल पहली बार ही आई है, ये भी मेरी तरह ही है कि दिल्ली में रह के हुमायूं का मकबरा नहीं देखा। ये देखिए सामने दिखा होगा कि ये एंट्रेंस बनी हुई है इसकी, काफी अच्छा स्ट्रक्चर लग रहा है मेरे को देखने में। नक्काशी वक्काशी हो रखी है, सितारे वितारे बने हुए हैं थोड़ी थोड़ी जगहों पर। यहाँ ऐसे कुछ लिखा हुआ है, बोर्ड्स वगैरह बने हुए हैं कि आप पढ़ सकते हैं किसने बनाया, क्यों बनाया, कितने साल में बनाया। मजा आ रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है दिल्ली से बाहर है हम, है ना। क्या दिल्ली में रहते हुए भी ये सब चीजें अगर आपने नहीं देखी ना तो आप भी हमारी तरह ही हैं। तो आप प्लीज आइए, विजिट करिए, देखिए इन सब चीजों को। जैसे ही आप अंदर घुसेंगे तो इधर इधर भी एग्जीबिशन भी लगी हुई देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे दिखा रखा है सारा हुमायूं टॉम के बारे में लिखा हुआ है और बहुत सारी चीजें। और ये सामने आपके ये रहा जी हुमायूं का मकबरा, हुमायूं टॉम जैसे हम लोग बोलते हैं। इतनी बड़ी चीज है ये, और बताओ हमें ही नहीं पता दिल्ली में रहने के बाद। कैसा लग रहा है आपको राधिका जी? थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ी फोटो सेशन वगैरह करते हैं। देखिए ये पार्क वगैरह है यहाँ पे बहुत अच्छा। थकने के बाद यहाँ पर आकर आराम करेंगे हम। ये सामने है जी हुमायूं का मकबरा, देख लो। अब यहाँ पर हम आए हैं, मेन टारगेट हमारा ये कि आज हमें कम से कम 150-200 फोटो खींचनी है यहाँ पे। हमें नहीं घूमने का तो पर्पज हमारा था ही कि हुमायूं का मकबरा देखना, लेकिन 150 फोटो का जो आज का मैंने टारगेट बना रखा है वो पूरा करना है आज मुझे यहाँ पर आके। रश बहुत है यहाँ पे आज संडे की वजह से। ये झरने वरने चल रहे हैं यहाँ पे, देखो कितने प्यारे हैं फाउंटेन वगैरह। और ये सामने है जी हुमायूं का मकबरा। इधर ये पार्क बने हुए हैं, उधर भी पार्क बने हुए हैं, और इधर मिस्टर एंड मिसेस साहिल मैकॉन हुमायूं के मकबरे को देख रहे हैं। तो गाइस ये है जी हुमायूं का मकबरा, देख लो हुमायूं ने जो बनाया था। अब हिस्ट्री तो इसकी पता नहीं है, हमें गूगल करके देखेंगे कि क्यों बनाया था, कितने बनाया था, लेकिन देखने में बड़ा प्यारा लग रहा है भाई। क्यों राधिका जी, कैसा लग रहा है आपको? सीढ़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी है, ऊपर जा रहे हैं, आगे जाके देखते हैं ऊपर क्या क्या है। बहुत बड़ा है दिखने में तो यार, एंट्रेंस है ये इसकी, ये देखो। आज गर्मी भी इतनी ज्यादा हो रही है ना, मतलब विंटर सीजन तो बिल्कुल खत्म ही हो गया। मैं आपको अगर बताऊं तो यहाँ पर ये बड़ी बड़ी सी सीढ़ियां भाई साहब, इनको चढ़ते हुए एकदम सीधी सीधी सीढ़ियां चढ़ते हैं, फिर इनको देखते हैं ऊपर जाके क्या है क्या नहीं है। चढ़ने के लिए भाई मेहनत करनी पड़ेगी, तजुर्बा बहुत ज्यादा ही बड़ी है क्योंकि। तो ऊपर आए हैं तो ऊपर आके तो नजारा कुछ ज्यादा ही शानदार है भाई, ये देखो ये ऊपर का नजारा भाई, ये देखो ये है जी ऊपर का नजारा। ये राधिका जी, ये रही
वो वहां से आए थे हम सामने से ना, वो एंट्रेंस दिख रही होगी आपको उधर, ये है भाई। बहुत ज्यादा रश है, ठंडी है शायद इस वजह से। आगे चल के देखते हैं। तो ये है भाई जी हुमायूं का मकबरा। मुझे तो ये तारे एक जैसे लगते हैं, जैसे ताजमहल होता है वैसे उसी टाइप के। हाँ, गोल गोल से तारे वैसे ही हैं। उधर आगे की तरफ वहाँ पर कुछ बना हुआ शायद, वो क्या चीज है? वो अलग है लेकिन वो यहाँ से अलग। एक यहाँ पे ये सामने भी गेट तो दिख रहा होगा आपको, तो सामने शायद मस्जिद होगी या कुछ और होगा। ये भाई देख लो, ये बैग है इसका, ये साइड है, बैक इसके पीछे होगी। लोग वो आ रखे हैं यहाँ पे, मस्ती वस्ती कर रहे हैं, फोटो वोटो खींच रहे हैं। वहाँ पर सामने वो चीज है वहाँ पे, अभी जाके देखते हैं वहाँ पे भी, है ना। एक गेट ये भी है भाई इसका, ये बैक है इसका, वो देखो ऊपर। ये देखिए ये पार्क है, उधर सामने वहां पर लोग नाच रहे, रील्स वगैरह बना रहे हैं अपने कैमरे में। मतलब कुल मिला के अगर आप कपल के साथ हैं तो एंजॉय कर सकते हैं यहाँ पे आके। फोटो सेशन वगैरह के लिए काफी अच्छी जगह है ये, अलग अलग रील्स बनानी हो तो उसके लिए काफी अच्छी जगह है। हम लोग भी इसलिए आए थे कि फोटोज वगैरह लेंगे और थोड़ा घूम लेंगे। तो ऊपर तो आ गए, हुमायूं का मकबरा तो देख लिया है, बाकी क्या करना है आप बताइए। इनकी भी रील्स बनानी है अभी हमें बहुत सारी। ये कह रही मेरी रील्स बनानी है बहुत सारी। वहाँ एक सामने एक लड़की डांस कर रही है, यहीं से दिख रहा है मेरे को। वो आते हैं लोग वगैरह, कपल्स वगैरह ज़्यादा आते हैं यहाँ पे, टीनेज वगैरह के तो लोग इतने हैं नहीं, एडल्ट हैं ज़्यादातर, कॉलेज वगैरह के, स्कूल वगैरह के लौंडे लफारे, फ्रेंड सर्कल बोल सकते हैं लौंडे लफारे। देख लो तमीज सिखा रही है धीरे धीरे मैडम हमें। अभी अंदर भी जाके देखेंगे, देखते हैं अगर अंदर ठीक रहा, अगर रिकॉर्ड वगैरह कर सकते तो अंदर का भी आपको दिखाएंगे। देखिए अब इसके बैक में आ गए हैं आप, ये देखिए ये बैक है इसका। लोग लगे पड़े अपने अपने ट्राईपॉडों के साथ, अपनी अपनी सेल्फी स्टिक के साथ फोटो खींचने के लिए। ये सितारे वितारे बने हुए हैं, काफी अच्छा है दिखने में। तो वैसे फ्रंट और बैक दोनों सेम है। हाँ सेम ही है, मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है, फ्रंट और बैक दोनों सेम है। देखो जी ये है जी बैक। गर्मी बहुत ज्यादा है यार, और ये यहाँ से भी शायद सीढ़ियाँ जा रही हैं। ये देखो ये सीढ़ियाँ जा रही हैं वहाँ जाने के लिए उधर आगे। नहीं पहले खुफिया रास्ते बनते थे ना, खुफिया रास्ते बनते थे पहले, मैम ऐसा बता रही हैं, राधिका जी के कहना है। ये ऐसी छोटी छोटी आपको ये भी दिख जाएंगी यहाँ पे, मकबरे टाइप बने हुए। ये देखिए, तो चलिए बने रहिए, अभी आपको और दिखाते हैं उधर जाके कि उधर क्या बना हुआ है। वो जो सामने आपको दिखाया ना मैंने उधर, वहाँ पर जाके आपको भी दिखाएंगे कि वो क्या चीज़ है। कुल मिला के तो यही है कि हुमायूं का मकबरा ये है। ये बैक है, फ्रंट आपको दिखा दिया मैंने अभी, अगर जहाँ पे वो इसकी एग्जीबिशन लगी हुई थी वहाँ पर भी जाके आपको एक बार दिखा दूंगा कि वहाँ पे फोटोज वगैरह कैसी लगी हुई कैसी नहीं लगी हुई। तो चारों तरफ से देखने पे तो मेरे को ये एक जैसा ही लग रहा है भाई, सही बताऊँ तो अगर मैं आपको। ये देखिए तो ज़्यादा कुछ है नहीं ऐसा यहाँ पे, बताइए कि फोटोज वगैरह अगर आपको लेनी हो या प्री वेडिंग शूट्स वगैरह कराने हो तो उसके लिए सबसे बेस्ट जगह है ये। चारों तरफ से एक जगह, मैं वही बता रहा हूँ, चारों तरफ से एक जैसा ही बना हुआ है ये। ये देखिए बैक हो गया, फ्रंट हो गया, साइड्स हो गई, हर जगह से एक जैसा ही है। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा हमारे ऐसे ऐसे ब्लॉग्स के लिए। और आशा करते हैं कि आपको पसंद आ रहा होगा वीडियो, और अभी और आगे नीचे जाके आपको दिखा देंगे कि क्या हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए जी हुमायूं का मकबरा तो देख लिया, हम नीचे उतर रहे हैं। बैक फ्रंट साइड सब एक जैसा ही है। अब जा रहे हैं गार्डन की तरफ, इधर से गार्डन की तरफ जा रहे हैं। ये रास्ता भाई सीढ़ियाँ उतरते हैं, बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ यहाँ पे, काफी सारे लोग हैं। हमने यहाँ पे फोटोज भी क्लिक करी है, जो मैम कह रही है भी दोबारा से क्लिक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले के टाइम पे इतनी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ बना देते, कुछ पता है पानी पानी की बोतल जरूर लाना भाई, गर्मी में बहुत प्यास लगती है, क्योंकि हमने ही गलती की, बहुत बड़ी गलती करी है हमने। ये देखिए जी नीचे की तरफ उतर के आ गए सीढ़ियों की तरफ से, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, फोटोज वोटोज खींच रहे हैं। तो पहले तो हम उधर की तरफ चलते रहे राधिका। ये आगे कुछ बना हुआ है, मतलब चारों तरफ से कुछ कुछ बना हुआ है, यहाँ बैठ के फोटोज वगैरह काफी अच्छी क्लिक होंगी। आज की करने के लिए भी लोग आते हैं यहाँ पे अपने प्यार का इजहार करने के लिए। तो
समझ सकते हैं। वैलेंटाइन डे भी आने वाला है, अभी वीक चल ही रहा है वैलेंटाइन डे का, तो अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, कोई आपके दिल के बहुत ज्यादा करीब है, आपने तो मुझे किया तो उसको घुमाने लाइए हुमायूं टॉम और प्रपोज करिए। आपने मुझे किया अभी तक? मैंने इनको नहीं किया। आप शादी हो गए, क्या करना है? देखिए शादी के बाद प्रपोज या ये सब चीजें नहीं होती क्या? शादी के बाद कहाँ ये सब चीजें होती है? देखो जी, ये छोटे छोटे दरवाजे बने हुए हैं जिन पे ताले लगे हुए हैं, ये बेबी डांस कर रहे हैं यहाँ पे। छोटे छोटे दरवाजे चारों तरफ बने हुए हैं और इन पे तब पे ताले लगे हुए हैं। ये चारों तरफ पार्क, एक सामने बड़ा सुंदर सा गुरुद्वारा भी मेरे को नजर आ रहा है। बाज है ये, चील नहीं है। ये देखिए जी, नीचे आ गए, अब हम उतर के ऊपर थे, अब यहाँ से हम देख रहे हैं पार्क वगैरह बना हुआ है। अभी हमें जाना उस तरफ है ना, तो वहाँ पे आपको एक बार लेके चलते हैं गुंबद की जगह पे। ये देखिए, देखने में तो काफी अच्छा तो लग रहा है, बट ये कि फोटोज वगैरह खींचनी हो उसके लिए ठीक है, और गर्मी में तो आप भाई बिल्कुल भी मत आना, आज बहुत ज्यादा गर्मी है। विंटर में वो जा चुके हैं बिल्कुल पूरी तरीके से, इतना बुरा हाल हो रहा है गर्मी से, इतनी स्वेटिंग हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ भाई। खैर सब छोड़िए, ये छोटे छोटे जो दरवाजे बने हुए हैं, मैंने कोशिश करी कि इनके अंदर जाके देखा जाए, लेकिन हम इसके अंदर जा नहीं पाए क्योंकि हर गेट पे ताला लगा हुआ है। तो अंदर जाने का ही रास्ता होगा मोस्ट प्रोबेबली, जो मुझे लग रहा है। और ये एक और गेट आ गया है ऊपर चढ़ने के लिए शायद, है ना? हाँ, ऐसे गेट चार पांच बने हुए हैं यहाँ पे, चारों साइड पे हैं ऐसे गेट, ये जो गेट है सामने ऊपर जाने के लिए। चलिए अब हम वहां पर जाके आपको दिखाते हैं उस तरफ, वहाँ कुछ बना हुआ है, वहाँ पर लड़कियाँ उड़कियाँ डांस कर रही हैं, बहुत अच्छी सी वीडियोस वगैरह बना रही हैं अभी भी, तो वहाँ जाते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या है। बने रहिएगा हमारे वीडियोस के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए ऐसे ब्लॉग्स देखने के लिए, और दिल्ली को एक्सप्लोर करने के लिए खास तौर पर। तो बने रहिएगा हमारे साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन। तो गाइस, फोटो सेशन बहुत हो गया है, बहुत वीडियोस भी बनाई है स्लोमो वगैरह इंस्टा के लिए। अब फाइनली हम उस जगह पे जा रहे हैं जिसके बारे में हमने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक जगह है जहाँ पे लोग इंस्टाग्राम वगैरह के लिए अपनी रील्स वगैरह बना रहे हैं और क्लिक्स वगैरह कर रहे हैं। राधिका जी तो थक गए बहुत ज़्यादा और इनको इतनी प्यास लग रही है पूछो मत। तो आप जब भी यहाँ पर आए अपने साथ में पानी कैरी करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्यास लगेगी यहाँ जब आप घूमते रहेंगे। ये है जी वो जगह, देख लो, ये भी हुमायूं टॉम का एक पार्ट है। यहाँ पर भी अंदर वही मकबरा वगैरह होगा किसी ना किसी का, तो इसका जो रास्ता है वो इधर से है, ऊपर जाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। नाई का मकबरा है ये, नाई का मकबरा ये यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए जो हुमायूं का जो नाई था ना बार्बर, उसका मकबरा है जी यहाँ पे, ये देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे। चलो पता चल गया, ऊपर जाके नाई का मकबरा है, ऊपर जाके नाई का मकबरा दिखाते हैं आपको भाई, ठीक है? चलिए, तो भाई यहाँ पर ये जो है ये है नाई का मकबरा आपका, ये रहा, ये सामने जो हमने आपको दिखाया ना स्टार्टिंग में कि नाई का मकबरा है, यहाँ लिखा हुआ है नाई के मकबरे के नाम। इस मकबरे के अंदर एक पुरुष और एक महिला की जो है वो कब्रें हैं, 1905 से 09 तक में बनवाया गया था, ये सारी चीजें लिखी हुई है यहाँ पे। तो ये है जी नाई का मकबरा, देख लीजिए, अंदर जाते हैं अभी आपको दिखाते हैं नाई का मकबरा। बताओ, एक हमारा चांद है हमारे वहाँ पे नाई, और एक ये था जी नाई, देख लो क्या क्या करते थे पहले जमाने में लोग, कि नाई था उसके लिए मकबरा बना के फर्स्ट क्लास का, देख रहे हो? एक हमारे चांद है जिनके लिए हमने आज तक कुछ नहीं किया। तो गाइस याद रखिएगा, चीज को चांद भाई के लिए कुछ करना पड़ेगा आपको। ये जी ये है, ये नाई था और ये उसकी बेगम थी, इन दोनों का मकबरा है ये देख लो जी। नहीं, दो जो उनके लोगों का बना बता रखा है, तो नाई होगा और उसकी बेगम ही होगी। अंदर से ये ऐसा है दिखने में, कबूतर वबूतर हैं बहुत सारे, और देख लो जी ये है। तो मेरे जितने भी दोस्त हैं, आप सबका यही टास्क है कि चांद भाई के लिए आपको रोज शुक्रवार को निहारी ला के देनी है, खमीरी ला के देनी है और बिरयानी ला के देनी है, क्योंकि एक नाई के लिए हुमायूं ने मकबरा बना दिया पूरा, और हमने आते हमने चांद भाई के लिए कुछ नहीं किया, कितनी गलत बात है। खैर छोड़िए मजाक, सामने देखिए वो रहा हुमायूं टॉम, ये रहे मिस्टर एंड मिसेस साहिल मैकॉन। इस वीडियो को समाप्त करने से पहले ये बोलूंगा कि हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, आप भी बोल दीजिए, बिल्कुल नहीं भूलना, ठीक है? चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए, ऐसे ही ब्लॉग्स को देखने के लिए हम डिफरेंट जगह पर जाके ऐसे ही ब्लॉग्स बना के आपको वीडियो शेयर करते रहेंगे। अपना प्यार हमें देते रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रेस द बेल आइकन और बने रहिएगा हमारे साथ। अभी के लिए बाय बाय। गाइस आपको मैंने याद होगा कि वहाँ से दिखाया था हुमायूं के मकबरे के वहाँ से, कि सामने एक जगह थी जहाँ पे एक लड़की रील वगैरह बना रही थी और एक जगह ये थी,
तो ये भी किसी ना किसी का मकबरा है, क्योंकि यहाँ सारे मकबरे ही बने हुए हैं। तो अब इसको देखते हैं क्या चीज बने हुए हैं, आज जाके देखते हैं। वो तो नाई का मकबरा था, वो तो आपको दिखाया हमने। यहाँ लिखा हुआ है कुछ वहाँ पे, यहाँ पर भी लिखा हुआ है कि किसका मकबरा है। देखिए यो है जी, यो है जी सामने मकबरा। लौंडे लपा रहे, फोटो वोटो खिंचवा रहे हैं, सामने से ट्रेन जा रही है, फिर लौंडे लपा रहे, लौंडे लपा रहे, लौंडे लपा रहे तो बोलेंगे। ये भी किसी नाई भाई का ही है। एक गुम्बद है, नीला गुम्बद। अच्छा नीला, इसका नाम है नीला गुम्बद। ये जो सामने नीली कलर की है भी, तो ये ब्लू कलर का है शायद, इस वजह से इसका नाम नीला गुम्बद है। ये है जी नीला गुम्बद, इसके बारे में लिखा भी है। ये लिखा है स्मारक, ये है भाई नीला गुम्बद, देख लो। ऐसा तो कुछ है नहीं वैसे यहाँ पे देखने के लिए, ये भी सेम वही किसी ना किसी का मकबरा वगैरह होगा इसके अंदर। देखते हैं, कहाँ गई राधिका जी, आओ अंदर। ये देखो नीला गुम्बद इस जगह का नाम है। सामने आपको ट्रेन दिख रही होगी, क्योंकि निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन भी पास में है। ये जगह है जी नीला गुम्बद, चारों तरफ इसके घूम के देख लेते हैं। ये सामने से ट्रेनें जा रही हैं, ये राधिका सिंह है, ये नीला गुम्बद है। ये देखो कुछ भी नहीं है ऐसा, वैसे तो इसमें ऐसे ही बना रखा है। पहले के टाइम में लोगों को बड़ा मजा आता था ये सब चीजें बनवाने में, मकबरे पैसा बहुत था कह सकते हैं। मकबरे बना दिए, किले बना दिए, गुम्बद बना दिए, ऐवी बना दिए, मतलब ऐसे इंडिया को सोने की छड़ी। ये भी बात सही है, ये है जी नीला गुम्बद। तो जी हम आ गए हम नीला गुम्बद के अंदर, जो कि हुमायूं टॉम के अंदर ही स्थित जगह है। कुछ भी नहीं है, ऐसी बना रखा है, ऊपर नक्काशी वगैरह हो रखी है, काफी उर्दू में लिखा हुआ है। ये देखिए ये है नीला गुम्बद, कबूतरों का घर है ये कह सकते हैं आप। और लोग आते हैं यहाँ पे घूमते, फोटोज वगैरह लेते हैं। तो कुल मिला के हुमायूं टॉम में आप जब भी आएंगे तो फोटो सेशन वगैरह कर सकते हैं, रील्स वगैरह बना सकते हैं, और कुछ नहीं है तो यहाँ पे खास ऐसा। फोटोज वगैरह के लिए काफी अच्छा है स्कोप यहाँ पे, बाकी आपको इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह बनानी है उन सब चीज़ों के लिए बहुत सही जगह है। बाकी कुल मिला के देखा जाए तो हमें बहुत यहाँ पर मजा आया, हम पहली बार आए हैं, 30 साल से ऊपर हो गए दिल्ली में रहते हुए। तो आप भी आइएगा जरूर, कमेंट्स में हमें करके बताइएगा कि आपको नेक्स्ट टाइम क्या देखना है क्या नहीं देखना है, तो हम वहाँ पर जाएंगे आपको दिखाएंगे उस प्लेस को, ठीक है ना। तब तक के लिए चलिए बाय। तो गाइस हुमायूं टॉम हमने पूरी तरीके से घूम लिया है, ठीक है। एक बार और आपको भी दिखा देते हैं, सामने हुमायूं टॉम है। कभी भी आप यहाँ पर आएंगे तो जो टिकट है वो एडल्ट की 40 रुपीज़ की, और 15 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनकी टिकट लगेगी, ठीक है। सैटरडे को अवॉइड करिएगा आने के लिए, और संडे को क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे, तो कोशिश ये करिएगा कि वीकेंड्स में मत आइए, वीकडेज में आइएगा। ये सामने हुमायूं टॉम है, आप देख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ऐसे व्लॉग देखने के लिए, और प्रेस द बेल आइकन नोटिफिकेशन के लिए, ठीक है। और कमेंट करके हमको बताइएगा कि आपको और नेक्स्ट व्लॉग कौन कौन से देखने हैं दिल्ली के अंदर या दिल्ली के बाहर। हम लोग काफ़ी सारे व्लॉग्स बनाते हैं ट्रैवलिंग के और फूड के और कुकिंग के, तो हमारे चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जितनी जल्दी हो सके, ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए मिस्टर एंड मिसेस साहिल मेकॉन के साथ, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टिल देन बाय बाय।